नमस्कार, मैं प्रवीण, डे एंड डे न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है और यहाँ पे तमाम जो विद्यार्थी ऐसा के हैं वो पटना यूनिवर्सिटी को घेरे हुए हैं। आखिर जानेंगे कि आखिर क्यों घेरे हुए, क्यों आप लोग पटना यूनिवर्सिटी का घेराव किया हुआ? सर, यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो यूजी का फीस की वृद्धि की है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया रहा है कि मनमाने ढंग से कभी हॉस्टल की फीस वृद्धि कर देती है, कभी एकेडमी की फीस वृद्धि कर दे रही है। तो क्या इस प्रकार से जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो क्या फीस भर पाएंगे? इतनी धूप में हम यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी है। तो इसको प्रशासन को समझना चाहिए और जल्द से जल्द जो फीस वृद्धि हुई है वो उसको वापस लेना चाहिए। मांगे कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को घेरे हुए, मांग यही कर रहे हैं कि गरीब वंचित तबके से जब विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं तो एक सपना लेकर के आते हैं और कम पैसे में यहां से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं बाहर, और फिर विश्वविद्यालय को एक गरिमा जो विश्वविद्यालय की बनी हुई उसको बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय कुलपति जो हैं विश्वविद्यालय की ज़मीन बेच करके पैसा जमा कर रहे हैं, अगर इनसे पेट उनका नहीं भरा तो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके पॉकेट पे इन्होंने डाका डाला है और फी बढ़ा दिया गया। हमारा एक मांग है कि फी अभिलंब वापस लिया जाए और जो CBCS सिस्टम लागू किए हैं उसको तुरंत वापस ले और जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको पुनः बहाल किया जाए। हमारी यही मांग है। हम यहाँ पे 3 छात्र संगठन AISF NSUI और आयशा, आज 3 सांकेतिक प्रोटेस्ट हम लोग आज कर रहे हैं। अगर सरकार ये कुलपति नहीं मानती है तो आने वाले दिन में हम और उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मांगे कर रहे हैं? मांग वही है जो अन्य साथियों ने बताया कि जो विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की गई है, ये फी हाइक दरअसल पटना विश्वविद्यालय का सिर्फ मामला नहीं है, ये देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। और बिहार, इस बात को समझिए कि बिहार के भीतर जो नई शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी है वो पटना विश्वविद्यालय के चांसलर के ऊपर है और ये ट्रायल करके देख रहे हैं कि फीस बढ़ाने पर छात्रों का क्या रुख आता है, छात्र क्या सोचते हैं। तो हमारी लड़ाई एकदम सीधी है कि फीस वृद्धि जो बढ़ाया गया है इसको वापस लिया जाए। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है और इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सरकार के विश्वविद्यालय प्रशासन की साजिश है ये हम होने नहीं देंगे और फीस वृद्धि को वापस करना हमारी मांग है। एकदम एकमात्र प्रमुख मांग है, अन्य मांगे हैं लेकिन हमारी अभी पहली फिलहाल जो मांग है कि फीस वृद्धि को वापस किया जाए। क्या मांगे कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी घेरे हुए हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं, घेरे हुए, फीस वृद्धि बढ़ गया, उसी को कम कराने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जैसे कि पहले 3300 था, अब 6000 प्लस हो गया, तो इस तरह से 18000 हो जाएगा 3 साल में। तो अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कम नहीं होगा अभी, तो फिर ये आगे और बढ़ेगा। तो देखा हमने, इनसे बात किया, ये आयशा और तमाम तरह के विद्यार्थी संगठन अपनी मांगों को लेकर पटना यूनिवर्सिटी का घेराव किया हुआ है, फीस बढ़ोतरी को लेकर और तमाम तरह नई जो शिक्षा नीति आई है उसको लेकर घेराव कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए DND न्यूज़ देखते रहे, धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।